मंच पर उपस्थित मंचशील अतिथिगण और सभा में आए हुए सभी देव सज्जनों, नौजवान साथियों, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं बहनों, आप सभी को मैं छात्र नेता अमृतांश बिंद आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज इतने बड़े बिंद दिवस के अवसर पर बड़े बड़े जिम्मेदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मुझ जैसे नन्हे से बालक और नन्हे से कार्यकर्ता को अपने बात रखने का मौका देने के लिए आप सभी देव सज्जनों, नौजवान साथियों, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं बहनों, आप सभी को मैं अमृतांश बिंद इस मंच के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, हमारे समाज में शिक्षा का भी बहुत अभाव है, शिक्षा की कमी है और हमारे समाज को शिक्षित होना होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना इसे पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए मैं खास तौर से गार्जियनों से कहना चाहूंगा कि अपने बेटे बेटियों को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शिक्षित करें, क्योंकि जब हमारे समाज का बेटा बेटी शिक्षित हो गए तो हर क्षेत्र में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पद पे रहेंगे तो हम कहीं भी जाएंगे हमारी सुनवाई होगी, अन्यथा इसी तरह लाज जूते खा करके घर चले आएंगे, हमारी सुनवाई कतई नहीं होने वाली है। साथियों, अपने समाज में बहुत बड़ी ही कमियां हैं, क्योंकि मैं अपने गली क्षेत्र मोहल्ले में खुद देखा हूं कि बाप और बेटे दोनों एक साथ बैठ करके एक ही गैंग में ताश की गड़ियां फेंका करते हैं। यही नहीं, मैं अपने गली क्षेत्र मोहल्ले में यह भी देखा हूँ कि दो बड़े और छोटे भाई एक साथ बैठ करके दारू और शराब पीते हैं। तो साथियों, आप लोगों से कहना है कि इस तरह करने से हमारा समाज विकसित नहीं होगा, विकास नहीं करेगा। और साथियों, जो लोग जिस क्षेत्र में, हमारे समाज के लोग जिस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सभी को एक साथ मिलकर अगर उस लोगों का सपोर्ट कर किया जाए तो हम ये आशा के साथ नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा समाज एक दिन पूरे प्रदेश के कोने कोने में अपना परचम लहराएगा। ये पूरे आशा नहीं, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक ईंट लेकर के एक कुत्ते को मारेंगे तो वो भागेगा, एक इंसान को भी मारेंगे तो भागेगा, लेकिन वही ईंट अगर मधुमक्खी के छत्ते को चला देते हैं तो अपना जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि मधुमक्खियां एक्टिव है और एकता की वो ताकत होती है कि दुनिया की ताकत उसके आगे टिक नहीं सकती। साथियों, और जो एक कारवा चल रहा है, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान युवाओं का जरूरत है। मैं नौजवान युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों, और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोग एक एक विधायक, सांसद, मंत्री के लिए तरस जाते हैं, और हम लोग इतना जनसंख्या रहते हुए भी हम लोग एक एक सांसद, विधायक, मंत्री के लिए तरस जाते हैं। तो कहना है कि समाज मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, समाज मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मेरा सब व्यस्त लिखा है खून गरीब का पीने में, तो किसी पार्टी किसी दल का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, बिंद समाज चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। साथियों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती बदलने की क्या जरूरत है मेरे साथियों, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं छात्र नेता अपने बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिंद, जय भारत।